गाड़ी रोक। राणा साहब यहाँ नहीं रुक सकते, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं। गाड़ी रोक। गाड़ी रोको यार, क्योंकि आ चुका है आपका भाई खतरनाक वीडियो लेके। इस वीडियो में आपका भाई आपको बड़ी मार्ट स्टोर में कौन सा नया बंडल आएगा, कौन सा नया इमोट आएगा, बड़ी मार्ट स्टोर अपडेट कब होगा, गिल्ड स्टोर भी अपडेट कब होगा, उसमें कौन कौन से नए रिवॉर्ड आएंगे, सारी जानकारी आपको पता लगेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, फ्री मैजिक क्यूब प्लस मैजिक क्यूब स्टोर में नए रिवॉर्ड आएंगे, उसकी वोटिंग होने वाली है उसके बारे में। और पता है सबसे पुराना वाला सोशल आइलैंड रिटर्न आने वाला है। मैं नहीं मानता। हमारे गेम के अपकमिंग इवेंट अपडेट, फ्री फायर की मस्त वाली मीम, बोले तो ये वाला वीडियो लापचिक गर्दा उड़ा देने वाला होगा, भौकाल मचा देने वाला होगा। तो चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 7th एनिवर्सरी गिव अवे विन अमेजिंग प्राइजेस इवेंट के बारे में, जो कि 7th एनिवर्सरी के दूसरे फेज में हमारे गेम में आएगा। इस वाले इवेंट में हमें 7th एनिवर्सरी के मर्चेंडाइज, साथ ही में रेट्रो एवरग्रीन बंडल या फिर कोई दूसरा रिवॉर्ड दिया जाएगा। दूसरा रिवॉर्ड इसीलिए क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, इंडियन सर्वर, बांग्लादेश, सिंगापुर सर्वर, इन तीनों सर्वर में सेम इवेंट आते हैं, सेम रिवॉर्ड मिलते हैं। परंतु ये जो इवेंट है ना, ये सिंगापुर सर्वर पर ऑलरेडी 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक चलने वाला है, मतलब कि पहले ही स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए इंडिया बांग्लादेश सर्वर पर कोई दूसरा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें दो मिशन दिए जाएंगे। पहला है कि हमें डेली लॉगिन करना है, तब जाके एक टोकन मिलेगी, और दूसरा है कि हमें फ्रेंड के साथ एक गेम खेलना है, तब जाके एक टोकन मिलेगी। इस तरह से एक दिन में दो टोकन मिलेगी। उसके बाद हमें जाना होगा एक्सचेंज टोकन पर। हमें यहाँ चूज करना है कि हमें जो टोकन मिली है उस टोकन का यूज कैसे करना है। एक टोकन के बदले एक टिकट मिलेगी और एक टोकन के बदले 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। हमें चूज करना है कि हमें अपनी टोकन को कहाँ लगाना है। सो टिकट का फायदा ये होगा कि हर रोज 50 बंदों को रेट्रो एवरग्रीन बंडल मिलेगा या फिर 50 बंदों को 7th एनिवर्सरी के मर्चेंडाइज मिलेंगे। मतलब कि एक सर्वर पर हर रोज 100 बंदों को मर्चेंडाइज या फिर रेट्रो एवरग्रीन बंडल मिलेगा। लेकिन अगर आपके लक पर आपको भरोसा नहीं है, तब नीचे से एक टोकन के बदले 100 गोल्ड कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों 7th एनिवर्सरी गिव अवे इवेंट जब हमारे गेम में आएगा, उसे कंप्लीट करना होगा। आई होप आप लोगों को ये वाली जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन एक सेकेंड। एंड दोस्तों 7th एनिवर्सरी के फेज 2 में ही, जो कि 7 जुलाई के बाद स्टार्ट होगा, हमें नोस्टाल्जिक कलेक्शन का इवेंट देखने मिलेगा, जिसमें ओल्ड फैक्ट्री की थीम पर बनी ट्रोगन गन की स्किन, इसका नाम है बरमुडा फ्लैशबैक, ये आने वाली है। ये गन की स्किन की डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी एबिलिटी भी ठीक ठाक है। इसमें रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस है, एक्यूरेसी सिंगल माइनस है, रिलोड स्पीड डबल प्लस है। इसके साथ ही ग्लूवाल की स्किन, इसका नाम है बरमुडा फ्लैशबैक। सो इस ग्लूवाल की डिजाइन में पिक का सामने वाला घर है, पीछे बैनर है, ग्लूवाल में आसमान चल रहा है ऐसा एनिमेशन भी है। ओवरऑल ये ग्लूवाल की स्किन पीक के बड़े वाले घर की याद दिला रही है। ये ग्लूवाल की स्किन आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। यही नहीं दोस्तों, एक और आइटम आने वाला है, इसका नाम है बरमुडा फ्लैशबैक लूट बॉक्स, जो कि पुरानी वाली पीक के ब्रोकन हाउस की थीम पर बना है। सच्ची बताऊं ना, इस वाले ब्रोकन हाउस पर मैं बहुत ज्यादा उतरा करता था, पर मुझे एक बात बुरी लगी कि फ्री फायर वालों ने इसकी डिजाइन को गलत बनाए हैं, क्योंकि ब्रोकन हाउस में जो ब्रोकन वाला पार्ट था घर के ऊपर, वो भाई इधर साइड था, फ्री फायर वालों ने उसकी अपोजिट साइड बना दिए हैं। पता नहीं यार इसका डिजाइनर कारीगर कौन है, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिए, ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगता ना। इस लूट बॉक्स को देख करके मुझे एक मीम याद आ गई, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। बाय द वे गाइस, उसके बाद में बरमुडा फ्लैशबैक की थीम पर एक फ्लैशबैक टोकन भी आने वाली है। सो जिस इवेंट में ये सारे आइटम आएंगे, उस इवेंट में ये फ्लैशबैक टोकन भी रहेगी। इस तरह से बरमुडा फ्लैशबैक की थीम पर ये सारे आइटम आने वाले हैं। इनमें से कौन सा आइटम आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैजिक क्यूब के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, 6 से लेके 8 जुलाई तक मैजिक क्यूब वीकेंड इवेंट हमारे गेम में आएगा। सो उसका ये देखो बैनर भी निकल के आ चुका है। और आप में से बहुत से बंदों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मैजिक क्यूब स्टोर भी कब अपडेट होगा। तो यार जो मैजिक क्यूब स्टोर है ना, वो 26 जून के दिन अपडेट हो गया है, अभी अपडेट नहीं होगा। पर अदर सर्वर में अपडेट हो रहा है, वहाँ पर 7th एनिवर्सरी स्पेशल मैजिक क्यूब की वोटिंग रखी गई है। यह बैनर देखो लिखा है, योर फ्री रेयर आइटम
हाईएस्ट आइटम वोटेड विल बी रिलीज्ड वीवा मैजिक क्यूब स्टोर। यहाँ पर दो आइटम है, पहला है बंडल, दूसरा है गन की स्किन। जिस आइटम पर सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो आइटम मैजिक क्यूब स्टोर में आ जाएगा। अब आती है हमारी मेन अपडेट मैजिक क्यूब की। हमारे इंडियन सर्वर पर न ही ये गन की स्किन आएगी न ही बंडल आएगा, पर फ्री फायर वालों की इस अपडेट से ये पता चलता है कि वो लोग मैजिक क्यूब स्टोर में कुछ नया देना चाहते हैं। इसका मतलब हमारे इंडियन सर्वर पर अगली बार जब भी मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होगा उसमें हमें नए रिवॉर्ड देखने मिलेंगे। वेल गाइस, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना उसे देखिए, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पुराने वाले ट्रेनिंग ग्राउंड का सोशल आइलैंड रिटर्न आने वाला है। ये इमेज देखो फ्री फायर वालों ने दिए हैं, जिसमें पुराना वाला सोशल आइलैंड है। तो जिस तरह से हमें ओल्ड पीक को फ्री फायर वालों ने क्राफ्टलैंड में दिए हैं, उसी तरह से ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड के सोशल आइलैंड को भी फ्री फायर वाले क्राफ्टलैंड में बना के देंगे, जो कि बहुत जल्द हमारे गेम में आने वाला है। गजब। आओ गाइस, अब मैं आपको मेरे मीम के पिटारे से फ्री फायर की ऐसी मीम दिखाने वाला हूँ जिसे देख के आपको बहुत मजा आएगा। चलो। सच्चे में यार, बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं, मैच हारने वाले होते हैं तब डबल वेक्टर उठा लेते हैं। चलो वो भी ठीक है, लेकिन डबल वेक्टर उठाने के बाद में भी हार जाए तब तो भाई उन्हें खुद में शर्म आने लगती होगी। बाय द वे, बताइए आप लोगों को ये वाली मीम कैसी लगी। वीडियो में आगे बढ़ेगा उसके पहले चलो इस वीडियो में फिर से एक खेल खेला जाए। आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, मैं भी वीडियो पब्लिश करने के जस्ट 10 मिनट के बाद में लाइक करूंगा। देखते हैं किसके किस्मत में कौन सा नंबर आता है, वो नंबर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई चैनल पर नए होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइस। आओ गाइस, अब मैं आपको हमारे गेम में आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आज रात का टुनाइट अपडेट है कि हमारे गेम में स्काईविंग की स्किन आएगी, उसके बाद 5 तारीख को अराइवल एनिमेशन आएगा और 6 तारीख को 7th एनिवर्सरी का मेन बंडल एनेमो स्टोर्मर बंडल का इवेंट आएगा। जो इवेंट रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस बंडल की खास बात है कि जब हम मेडिकिट यूज करेंगे तब हमारी बॉडी पर इस तरह का एनिमेशन नीचे से ऊपर जाएगा, और जब स्प्रिंट करेंगे दौड़ेंगे तब ये बंडल का कलर ऑटोमेटिकली एनिमेशन के साथ में चेंज होते जाएगा। साथ ही में फीमेल का बंडल भी आएगा, इसका नाम है एनेमो ब्रिजर बंडल। उसके बाद 7 तारीख को मिस्ट्री सरप्राइज आएगा। सो मिस्ट्री सरप्राइज इवेंट में क्या आने वाला है अभी किसी को पता नहीं चला है। हालांकि मिस्ट्री शॉप आने वाली है ये तो कंफर्म हो चुका है, परंतु मिस्ट्री शॉप मिस्ट्री सरप्राइज इवेंट के अंतर्गत आएगी या फिर अलग आएगा, कोई दूसरा इवेंट आएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही मिस्ट्री सरप्राइज इवेंट के बारे में पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। फाइनली गाइस, अब मैं आपको स्टोर अपडेट की सारी जानकारी बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं गिल्ड स्टोर से, क्योंकि फ्री फायर वाले लगभग सभी सर्वर पर गिल्ड स्टोर में फ्लोरिड क्लेस बंडल देना चालू कर दिए हैं। इस बंडल में केली क्या ही सुंदर लग रही है यार। तो हमारा मेन टॉपिक ये है कि ये जो बंडल है ना सभी सर्वर पर आने लगा है गिल्ड स्टोर पर। तो जब भी हमारे इंडियन सर्वर पर अगली बार गिल्ड स्टोर अपडेट होगा तब ये फ्लोरिड क्लेस बंडल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगली अपडेट है रैंक टोकन एक्सचेंज स्टोर की। इस बार हमारे इंडियन सर्वर का रैंक टोकन एक्सचेंज स्टोर अपडेट हुआ है, जहां पर हमें मूनलिट कॉटन बंडल 60 दिनों के लिए देखने मिला है। इसी तरह से अदर सर्वर का भी रैंक टोकन एक्सचेंज स्टोर अपडेट हुआ है, जहां पर उन्हें 30 दिनों के लिए चैंपियन ग्रेव वाला इमोट देखने मिल रहा है, 60 दिनों के लिए आइस एज वाला बंडल देखने मिल रहा है। परंतु जो रिवार्ड परमानेंट मिल रहा है वो है 10,000 रैंक टोकन को एक्सचेंज करने पर बैकपैक की स्किन, इसका नाम है पोर्टेबल रेडियो, जो कि लेवल 3 पर 2 पर 1 पर कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसा लग रहा है ना कि इस बैकपैक में जो रेडियो लगा है वो कागज का बना हुआ है। पता नहीं इस रेडियो से क्या सिग्नल मिलेगा या फिर नहीं, पता नहीं, मजाक कर रहा हूँ, पर ये जो बैकपैक की स्किन है बहुत ही मस्त लग रही है। तो ये रिवार्ड भी हमारे रैंक टोकन एक्सचेंज स्टोर में आ सकता है। A few moments later. रही बात बड़ी मार्ट स्टोर की, तो ये देखो अदर सर्वर में बड़ी मार्ट स्टोर में क्राउंड कॉन्करर बंडल आया है। ये बंडल 5 पार्ट में है और हर एक पार्ट की कीमत है 35 बड़ी मार्ट टोकन। तो ये वाले बंडल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वाल्डर कैप्टन बंडल को रिप्लेस करके फ्री फायर वाले ये वाला बंडल हमारे गेम के बड़ी मार्ट स्टोर में दे सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर में गोल्ड रॉयल के खत्म होने के पहले एक बार फ्री फायर वाले बड़ी मार्ट स्टोर को अपडेट करेंगे।
तो जब अपडेट करेंगे तब हमें ये बंडल देखने मिल सकता है। अगर ये बंडल नहीं आया तब हमें ड्रैगन मास्टर बंडल भी देखने मिल सकता है, पर इस बंडल के बहुत कम चांसेस हैं। और जो चैलेंज ऑन इमोट है वो इमोट भी जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा नया इमोट आएगा। अगर फ्री फायर वाले को कोई नया इमोट देना होगा तब हमें ये स्टेप स्टेप जो न्यू इमोट आया है UB45 अपडेट का, ये भी दे सकते हैं, या फिर कोई पुराना वाला इमोट ही दे देंगे। इस तरह से बड़ी मार्ट स्टोर गोल्ड रॉयल खत्म होगा उसके पहले ही अपडेट होने वाला है। हमें इंतजार करना है बैनर का। सो जब बड़ी मार्ट स्टोर का बैनर मिलेगा उसमें कौन से नए रिवॉर्ड आएंगे ये कंफर्म हो जाएगा, तब मैं आपको एक और बार बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।